इसमें प्रश्न कि जितेन प्रश्न नंबर 4 में जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। तो इसका उत्तर, ये प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न है जितेन नारगे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, ये लिखना है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी। ये हमारा प्रश्न, अब हम देखते हैं इसका उत्तर। जितेन ने लेखिका को एक अच्छी गाइड की है। Thank you.
सिक्किम की भौगोलिक स्थिति जनजीवन की जानकारियां इस प्रकार थी। सिक्किम में गंतुक से लेकर यूमथांग तक फूलों से लदी वादियां किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है। तो लगाई जाती है ये 108 होती है।
जितेंद्र ने लेखिका को एक अच्छे गाइड की तरह सिक्किम की मनोहारी प्राकृतिक छटा, सिक्किम की भौगोलिक स्थिति और वहाँ के जनजीवन की जानकारियाँ इस प्रकार दी। एक सिक्किम में गंतुक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, फूलों से लदी वादियाँ हैं। दूसरा, शांत और अहिंसा के मंत्र लिखी ये श्वेत पताकाएं जब यहाँ किसी बुद्ध के अनुयायी की मौत होती है तो लगाई जाती हैं। ये 108 होती है।
इसमें रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य, तो इसमें रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य के शुरू होने पर लगाई जाती हैं। कभी लॉ स्टॉक, कभी लॉन्ग स्टॉक, यहाँ लॉन्ग स्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। यह धर्म चक्र है, अर्थात प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी चिकना बर्बीला आदमी नहीं मिलता है। तो कटाव हिंदुस्तान का स्वीट जल ब्रांड है।
पंडितों में ही देखिएगा। बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी है। कि लगेगा फूलों की सीज रखी। नारगी ने उत्साहित होकर कटाव के बारे में बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। आगे कहते हैं कि यूमथांग की घाटियों के यूमथांग की घाटियों के बारे में बताया यूमथांग की घाटियों के यूमथांग की घाटियों के बारे में बताया कि बस 15 दिनों में देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। तो इस तरह से
इसमें लॉन्ग स्टॉक के में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। अब इसमें और आगे हम कल बताएंगे।